हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे हेल्दी किनुआ सैलड। किनुआ सैलड बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 कप किनुआ। किनुआ ऐसे बाजरे के दाने की तरह दिखता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है। वेट लॉस के लिए ये सैलड बहुत ही अच्छा है। इसे हम 4 गुना पानी डाल के, इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे, इसे बॉयल कर लेंगे। जब बॉयल होने लग जाएगा तब हम इसे सिम कर देंगे और पानी सूखने तक इसे बॉयल करेंगे, पानी ख़त्म होने तक स्लो गैस पे। एक बार बॉयल आने पे हम गैस स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे हम इसे कुक करेंगे पानी ख़त्म होने तक। इसे हम बॉयल कर लेंगे। हमने किनुआ को बॉयल होने के लिए रख दिया है। बॉयल आने पे हम गैस स्लो कर देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। हमारा किनुआ बॉयल हो चुका है, अब हम अपना गैस बंद कर देंगे। किनुआ सैलड बनाने के लिए हमने ले लिया है बॉयल किया हुआ किनुआ, येलो एंड रेड कैप्सिकम क्यूब्स, छोटे क्यूब्स में कटे हुए, ब्रोकली 1/4 कप, 1/4 कप बेबी कॉर्न कटे हुए, 1/4 कप कट टमाटोज, 1/4 कप पनीर, 1/4 कप बॉयल्ड कॉर्न्स, थोड़ा सा हमने लिया है सेलरी। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून हनी, नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और इस सैलड में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स। सबसे पहले तैयार करेंगे इसकी ड्रेसिंग। उसके लिए लेंगे हम 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून हम लेंगे हनी, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 7 में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हम डालेंगे ऑरिगैनो और 7 में डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई है। सैलड बनाने के लिए हमने ले लिया है किनुआ, जिसे हमने बॉईल कर लिया था। इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड कॉर्न्स 1/4 कप, इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर, क्यूब्स में कटा हुआ पनीर, येलो एंड रेड बेल पेपर्स छोटे क्यूब्स में कटे हुए, हम डाल देंगे अपनी ब्लांच की हुई ब्रोकली एंड बेबी कॉर्न। इसे हमने 3 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के माइक्रोवेव किया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स। और डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई सेलरी। इसके ऊपर डाल देंगे हम अपनी ड्रेसिंग जो हमने तैयार की थी। और इसे टॉस कर लेंगे।
हमारा कलरफुल हेल्दी किनुआ सैलड बनके तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। Thank you.